नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। सबसे पहले खबरों के खबरदार के लेंस से खबरों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसकी रणनीति तैयार करने के लिए आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने बीजेपी को चुनावी मंत्र दिए और आगामी चुनावों में जीत का फॉर्मूला भी तय कर दिया। वैसे तो कार्यकारिणी की बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन केंद्र बिंदु चुनाव ही थे। बीजेपी कार्यकारिणी की इस बैठक का चुनावी आउटपुट क्या रहा, यह हम आपको बताएंगे। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का कानून लागू कर दिया और वो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यानी अब हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% कर्मचारी हरियाणा के नागरिकों को ही मिल पाएगी। लेकिन क्या निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय आरक्षण होना चाहिए और क्या संविधान इसकी इजाजत देता है, इन सवालों के जवाब भी आज हम आपको देंगे। इसके बाद हम आपको क्रूज ड्रग्स केस का अपडेट भी देंगे, जिससे जुड़े दावों और खुलासों की खेप अब बढ़ती ही जा रही है। आज इस कड़ी में और कौन से खुलासे हुए और कौन से नए चेहरे और नाम जुड़े हैं, इसकी पूरी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन खबरदार में सबसे पहले बात बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आज पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी बिगुल बजा दिया। आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत और कई केंद्रीय मंत्री समेत 124 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जबकि बीजेपी मार्गदर्शक मंडल में शामिल लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत 200 से ज्यादा नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग अटेंड की। पीएम मोदी ने इस बैठक का उद्घाटन किया। मीटिंग में वैसे तो देश दुनिया के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक का मुख्य फोकस रहा आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की रणनीति बनाने को लेकर। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वैसे तो मुद्दों की कोई कमी नहीं थी। कोरोना, 100 करोड़ वैक्सीनेशन, राम मंदिर, मुफ्त राशन, कश्मीर का विकास वगैरह वगैरह। लेकिन बैठक का मुख्य एजेंडा क्लियर था, 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव। राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। अगले साल यानी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल है। लेकिन बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश चुनाव पर है, इसीलिए आगामी चुनावों से जुड़ा एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। यूपी के मुख्यमंत्री जी को क्यों प्रस्ताव सामने रखने के लिए बुलाया गया, क्यों नहीं? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाए, जरूर बुलाएंगे। कहते हैं उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है, इसीलिए बीजेपी कोई चांस लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि इस बार लड़ाई टक्कर की रहने वाली है। अखिलेश पूरे जोश से यूपी की चुनावी नब्ज को दबाने में जुटे हैं। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने भी एक तरफा अभियान छेड़ते हुए लेडीज फर्स्ट का नारा दे दिया है। उधर मायावती भी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग वाला करिश्मा दोहराने की हसरत पाले बैठी है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी के पास विरोधियों के खिलाफ राम मंदिर नाम का सबसे बड़ा औजार है।
आज बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक का टॉप राजनीतिक एजेंडा भी यूपी का चुनाव ही था, जिसमें बीजेपी का टारगेट सीएम योगी पहले ही सेट करके बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। कार्यकारिणी की बैठक के दौरान वैसे तो बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद थे, लेकिन आगामी चुनावों को लेकर सबकी नजरें और उम्मीदें दोनों ही पीएम मोदी पर टिकी हुई थी। पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के काम को सराहा और चुनावों में पार्टी को जीत के मंत्र भी दिए। लखीमपुर खीरी की 7 सीटें हैं, 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज मुझसे लिख के ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी, इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। कार्यकारिणी की बैठक में सभी नेताओं और मंत्रियों ने पीएम मोदी को बड़े ध्यान से और बड़े चाव से सुना, उनकी एक एक बात को नोट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। पीएम मोदी से बड़ा नेता फिलहाल कोई नहीं है और मोदी की लोकप्रियता ही 5 राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन की राह आसान करेगी। पर ये उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नेताओं का उत्साह साफ दिख रहा था। वैसे भी जब देश का सबसे बड़ा नेता उनके बीच मौजूद हो तो जोश बढ़ ही जाता है। बीजेपी इसी जोश के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरना चाहेगी, हालांकि ये तो नतीजे ही बताएंगे कि कौन कितने पानी में है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने अपने नेताओं को साफ संदेश दे दिया कि बीजेपी शासित राज्यों सरकारों के कामकाज के प्रसार और प्रचार की और ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने से संगठन मजबूत होगा, क्योंकि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि तजुर्बे और अनुभवों से ज्यादा मिलता है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया गया, लेकिन आज की कार्यकारिणी में और भी चर्चा हुई, जैसे कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर दुनिया भर में भारत की भूमिका, क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत के कमिटमेंट पर COP26 में पीएम मोदी की बातों की सराहना, कम समय में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने की उपलब्धि, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हो रहे विकास कार्य, विपक्षी दलों के रवैये और ट्विटर के जरिए नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की निंदा। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने अपनी पार्टी को जो मूल मंत्र दिया वो यही था कि जनसेवा ही सफलता की कुंजी है। धारा 370 हटाए जाने के पक्ष में एक दलील दी जाती है, वो ये कि अब देश के किसी भी राज्य का नागरिक कश्मीर जाकर नौकरी कर सकता है, लेकिन अब हरियाणा में बाहरी राज्यों के लोगों के लिए नौकरी करना मुश्किल होगा, क्योंकि हरियाणा अब निजी नौकरियों में 75% स्थानीय आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। 75% आरक्षण केवल उन नौकरियों में दिया जाएगा जो 30 रुपए तक की तनख्वाह देते हैं। इसके दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट और साझेदारी फर्म आएंगी, जिसमें 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं।
ये नियम नए भर्तियों पर लागू होगा। निजी क्षेत्र में मौजूदा कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। ई भट्टों पर स्थानीय आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। नियम ये भी है कि कंपनी प्रबंधन चाहे तो एक जिले से 10% से ज्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकता है। 75% का ये कोटा शुरुआत में 10 साल तक लागू रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी कंपनियों को 15 जनवरी 2022 तक सरकारी पोर्टल पर अपने सारे कर्मचारियों के डेटा को अपलोड करना होगा। पिछले वर्ष नवंबर में इस बिल को राज्य विधानसभा में पास किया गया था और इसी साल मार्च में राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी दे दी, जो अब नोटिफाई होकर कानून बन चुका है, जिसमें यह भी बताया गया कि हरियाणा का स्थानीय उम्मीदवार कौन होगा। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिसका जन्म हरियाणा में हुआ हो या फिर वो कम से कम 15 साल हरियाणा में रह चुका हो, या स्थानीय उम्मीदवार हरियाणा के किसी भी जिले का निवासी हो सकता है। कंपनी मालिकों को एक छूट ये भी दी गई है कि अगर पर्याप्त अनुभव वाले कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं तो जिला उपयुक्त स्तर के अधिकारियों से मंजूरी लेकर बाहर के व्यक्ति को नौकरी दे सकते हैं। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि अगर योग्य स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिलते तो उन्हें ट्रेनिंग देने का प्रावधान भी उसमें दिया जाएगा। हरियाणा सरकार इसे स्थानीय लोगों के हित में लिया गया फैसला बता रही है, लेकिन इस फैसले का विरोध भी अब शुरू हो गया है। इसको लेकर कई शंकाएं जताई जा रही हैं, जैसे कि इस नियम से आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर की मल्टीनेशनल कंपनियां राज्य से बाहर चली जाएंगी, आरक्षण से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रभावित होगी और राज्य में निवेश की संभावनाएं कम रह जाएंगी। यह आरक्षण कार्यबल की कुशलता को भी प्रभावित करेगा, यानी योग्य लोग नौकरी से वंचित रह जाएंगे। सभी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% स्थानीय आरक्षण को कानून लागू कर दिया, जो हरियाणा चुनाव में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का वादा भी था, जिसके अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से आज तक ने इसी साल मार्च में खास बातचीत भी की थी। अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट करी जाती है तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बचता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बचता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं कंपनियों को बेटर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट लोकली मिलती है। और इसके ऊपर जब ये एक्ट हमने इनेक्ट करने की बात करी थी, 8 दौर की चर्चा इंडस्ट्री की अलग अलग एसोसिएशन की, जितनी इंडस्ट्री की फेडरेशन है, हमने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी चर्चा करने के बाद ये 50,000 रुपए 10% जिले के ऊपर रिजर्वेशन कंपनी को पावर देने की बात, और कोई स्पेसिफिक स्किल सेट हो जो हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं हो सकता उसमें एग्जेम्पशन देने की बात करी गई। मैं एक उदाहरण आपके माध्यम से तमाम लोगों को देना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश में हजारों ईंट के भट्टे हैं, मगर ईंट के भट्टे पर काम करने वाली लेबल हरियाणा की नहीं है। आज वो बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, ईस्टर्न यूपी से 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आती है, और उस लेबर को 6 महीने के ऊपर ये लॉ बार नहीं करता, हमें एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। मगर मुझे उन लोगों से पूछना है कि अगर लोकल ड्राइवर होगा, लोकल सिक्योरिटी गार्ड होगा, लोकल पीएन होगा, लोकल आईटीआई करावा वेल्डर होगा, प्लम्बर होगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, तो क्या प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद नहीं होगा कि उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, ट्रैवल अलाउंस नहीं देना पड़ेगा? इन तमाम चीजों पर विचार करके प्रदेश में हमने हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए, लोकल रेजिडेंट्स के लिए, उसके लिए हमने डोमिसाइल का भी 15 साल से 5 साल तक सीमा को कम करने का काम किया। हरियाणा के उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि हरियाणा में काम करने वाले 70% लोग बाहर से आते हैं और सिर्फ 30% हरियाणा से हैं। लेकिन अब सरकार इसका उल्टा करने के लिए बोल रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण देना संवैधानिक है? क्या राज्य सरकार ऐसा कर सकती है? संविधान के आर्टिकल 19 के मुताबिक हर नागरिक देश में कहीं भी जाकर किसी भी तरह की नौकरी व्यापार करने का अधिकार रखता है। भारत में राज्यों की नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं कर सकते जिससे एक से दूसरी जगह जाने, किसी पेशे को अपनाने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता खत्म होती हो।
जबकि संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, यानी राज्य सरकारें दूसरे राज्यों के लोगों के साथ गैर स्थानीय होने के आधार पर असमानता नहीं कर सकती। जन्म स्थान के आधार पर राज्यों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, यानी हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय आरक्षण का कानून संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के हनन की तरफ भी इशारा करता है। हालांकि बात सिर्फ संवैधानिकता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उद्योग जगत इसे अव्यवहारिक भी मानता है। सरकारों का भी ये फर्ज है और हम उस चीज का आदर करते हैं कि सरकारें भी कोशिश करती हैं कि जो उनके रेजिडेंट्स हैं उनको जॉब्स मिलें, हर जगह पे जॉब्स मिलें, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप फोर्सफुली इंडस्ट्री को या फोर्सफुली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बोलिए कि इतने आदमी रखें। अगर आप उनको आदमी नहीं मिलते हैं अच्छे, उनको एम्प्लॉयज नहीं मिलते हैं, तो उनके ऊपर है, दे कैन फाइंड आउट पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स, या जो लोग आके यहाँ रह रहे हैं, जो 2 साल से 3 साल से रह रहे हैं, उनको एम्प्लॉय करें। बात करना चाहता हूँ, अगर इनकी नीयत साफ है तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्टों में और शॉर्ट सर्विस जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन है, एसएस बोर्ड जिसको हम पहले बोलते थे, उनमें करे अगर इनकी नीयत साफ हो तो, क्योंकि मोस्टली पढ़े लिखे लोगों की नौकरियां वहाँ हैं, बाकी मजदूरों की हैं। मजदूर तो अब भी यहीं के लोग काम करते हैं, बाहर का कोई दूसरी जगह का करता नहीं। हर कैंडिडेट, हर एक नौजवान खुश है कि हरियाणा के अंदर ट्रांसपेरेंसी है नौकरियों के मामले में, और बहुत अच्छे तरीके से नौकरियों का बंटवारा, और प्राइवेट सेक्टर में भी 75% जो नौकरियां की है उसमें हरियाणा के नौजवानों ने सबने स्वागत किया है कि ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुलेंगे। इसमें कोई खास बात नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा, हरियाणा का नौजवान पूरा टैलेंटेड है हर फील्ड में, इंजीनियरिंग में, टेक्निकल उसमें, स्किल डेवलपमेंट में, हर एक फील्ड में हरियाणा का नौजवान लड़के लड़कियां बहुत टैलेंटेड है। तो मैं कहता हूं उनका उनको उनको काम में जो है चॉइस प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। उद्योग जगत की तमाम आशंकाओं के बीच अब हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जहां स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण का कानून बन गया है। वैसे कई राज्य हैं जहां निजी क्षेत्र में आरक्षण को अलग अलग तरीके से लागू करने की कोशिश की गई, हालांकि वो कोशिशें अभी तक नाकाम ही रही हैं। गुजरात में सरकारी मदद हासिल करने वाली निजी कंपनियों में 85% स्थानीय कोटा तय किया गया था, लेकिन ये नियम लागू नहीं किया जा सका। महाराष्ट्र में भी मराठी लोगों को निजी नौकरियों में 80% आरक्षण की कोशिश अभी तक लागू नहीं की जा सकी है। गोवा में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को स्थानीय युवाओं को तरजीह देने पर इंसेंटिव देने की योजना भी शुरू की गई थी, जिससे कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश ने भी ऐसे ही कानून को पारित करने का प्रयास किया था, लेकिन हाईकोर्ट में उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई, जिसके बाद ये बिल लटक गया। कर्नाटक सरकार ने भी वर्ष 2020 में निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी इसे लागू नहीं किया जा सका। मध्य प्रदेश सरकार ने भी निजी क्षेत्र में नौकरियों में 70% स्थानीय कोटा लागू करने का वादा किया था, लेकिन वो भी पेंडिंग ही है। और इसी से पता चलता है कि राज्य स्तर पर प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय आरक्षण का वादा कर देना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल इसे लागू कर पाना है। हरियाणा में भी ये कानून कितना सफल होगा इस पर जानकार जो है वो संदेह जता रहे हैं। उद्योग जगत के लोग सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की संवैधानिकता को चैलेंज करने की तैयारी भी कर रहे हैं। खबरदार में अब हम बात करेंगे मुंबई ड्रग्स केस की। ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी की एसआईटी ने आर्यन खान को कल समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आर्यन खान आज पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। इस मामले में गठित एसआईटी में आईपीएस अधिकारी संजय सिंह उनसे पूछताछ करने वाले थे। अब ये कहा जा रहा है कि आर्यन खान और नवाब मलिक के दामाद समीर खान को सवाल जवाब के लिए फिर बुलाया जाएगा। एक तरफ एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मामले की जांच के लिए आरोपियों से पूछताछ करने की जद्दोजहद में लगी है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के नेता इस आपराधिक मामले को राजनीतिक मामला बनाने में जुटे हुए हैं। हर दिन इस केस में कुछ नया सामने आ रहा है। एक बार फिर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक सामने आए। इस बार उनका हमला समीर वानखेड़े के साथ साथ उस शख्स पर भी हुआ जिसने उन पर निशाना साधा था। हाल ही में बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने आरोप लगाया था कि एनसीपी नेता सुनील पाटिल इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, और इसी का जवाब देने के लिए आज नवाब मलिक ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नवाब मलिक का आरोप है कि मोहित कंबोज समीर वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का मेंबर है और उसके साथ मिलकर वो लोगों को फंसाते हैं। उनके मुताबिक शाहरुख के बेटे आर्यन खान के मामले में भी मोहित कंबोज का ही हाथ है।
पूरा मामला किडनैपिंग का। एक महीने से ये चुप क्यों थे? किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। मुंबई ड्रग केस में जुबानी वार का कारोबार जोरदार चल रहा है। जो प्राइवेट आर्मी है उसका कंपोज भी एक प्लेयर है श्री वानखेड़े। इस शहर के अंदर उनका एक ही खेल है कि ड्रग का धंधा धड़ल्ले से चलता रहे। ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जाए, उनसे उगाही की जाए। और कौन लोग कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो नशे के लत के आदी हैं, बड़े घर के लोग, फिल्म जगत के लोग, उनकी जानकारी हासिल की जाए, उन्हें डराया जाए और हजारों करोड़ की उगाही की जाए। ये खेल वानखेड़े इस शहर में खेल रहे हैं। कैमरे पर आकर नवाब मलिक ने मुंबई ड्रग केस को अपहरण और फिरौती का मामला बना दिया। सीधे बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। रोज सुबह नहा धोकर पूरी तरह तैयार होकर एनसीबी नेता नवाब मलिक अपने किसी नए खुलासे के साथ कुर्सी मेज लगाकर तैयार हो जाते हैं। वो एक बार फिर आए और मुंबई ड्रग केस को शाहरुख के बेटे के अपहरण और फिरौती का लंबा खेल बताया। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाही के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। नवाब मलिक के हमलों के केंद्र में रहा मोहित कंबोज। मोहित कंबोज वही आदमी है जिसने कल ही नवाब मलिक पर कई आरोप लगाए थे। नवाब मलिक और पार्टी के एक नेता पर मोहित ने आरोप लगाए तो नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आरोप की शुरुआत मोहित से की और मोहित कंबोज के बहाने समीर वानखेड़े और सैम डिसूजा को भी अपने निशाने पर लिया। श्री वानखेड़े ने कहा कि वो 11 लोग नहीं 14 लोग डिटेन किए गए थे। फिर लोगों को गुमराह करने का खेल वानखेड़े ने शुरू किया। हमने पूछा कि वो और कौन 3 लोग थे, नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। फिर कह रहा हूं कि वो 3 लोगों के छोड़ने में ही सबसे बड़ा खेल है। नवाब मलिक वैसे तो आर्यन केस के बहाने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर समीर वानखेड़े ज्यादा रहते हैं। आज नंबर मोहित कंबोज का था। नवाब मलिक जिस मोहित कंबोज को मास्टरमाइंड बता रहे हैं, वही मोहित कंबोज कल सुनील पाटिल को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बता रहा था। मोहित कंबोज ने अभी एक दिन पहले ही कहा था कि सुनील पाटिल के जरिए ही ड्रग केस की नींव डाली गई। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। मोहित कंबोज ने जब सुनील पाटिल के नाम का जिक्र किया और उसे NCP का नेता बताया तो इस पर नवाब मलिक का जवाब आया। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने साफ साफ कहा कि वो कभी भी सुनील पाटिल से नहीं मिले। कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, एक नेता जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनका पिछला गुट था। 1.5 साल पहले एक छापेमारी CBI की इनके घर पे हुई, 60 करोड़ के मामले में छापेमारी हुई। उसके बाद छापेमारी के बाद मामला फिर दब गया। 3000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार करके बनाई, ऐसा कौन सा भंगार बेचते थे कि 3000 करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति बन गई। हर एक एरिया, हर एक लोकेलिटी में, मुंबई में फ्लैट, जुहू पे आपका 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, कुल्ला पे आपकी लैंड। आपने इतना भी नहीं किया, नवाब मलिक जी ने खुद महाराष्ट्र में किसान बनकर किसान की लैंड खरीदी, फार्मिंग लैंड खरीदी। ये सब जैसे जैसे उनकी गुटियां खुल रही है, उनका आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, झूठे आरोप बढ़ते जा रहे हैं। नवाब मलिक इससे पहले भी कई बार मोहित कंबोज को आरोप लगाते रहे,
लेकिन इससे पहले मोहित ने सामने आकर आरोपों का जवाब कभी नहीं दिया। मोहित कंबोज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो अब तक चुप क्यों था। सुनील पाटिल और नवाब मलिक ने मिलकर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, जिसके अंदर मैंने पूरे सबूत, कैसे सैम डिसूजा के साथ चैट हुई, किरण गोस्वामी कैसे सुनील पाटिल का आदमी है, मैंने आरोप लगाया था कल कि सुनील पाटिल और नवाब मलिक की बातचीत होती थी। आज उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ, उनकी बातचीत सुनील पाटिल से होती थी। फिर जिस हिसाब से विजय पगारे पिक्चर में कल आए, शाम को आए, तो आज उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ, विजय पगारे से भी बातचीत होती थी। एक महीने से ये चुप क्यों थे? इतना सेंसिटिव मैटर जो पूरे देश देख रहा था, कल जिस हिसाब से ये सब सच्चाई बाहर आई कि कितनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ये एनसीपी के कुछ नेताओं ने रची महाराष्ट्र में, तो आज नैरेटिव चेंज करने के लिए एक नई स्टोरी लेकर, झूठ की स्टोरी लेकर नवाब मलिक जी प्रेस में उतरे। नवाब मलिक ने सैम डिसूजा नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया जो अभी भी फरार बताया जा रहा है। बहरहाल हम सैम डिसूजा के घर पर हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मुंबई के बांद्रा इलाके में जो ये घर है, यहाँ के चौथे मंजिले पर सैम डिसूजा का घर है। यहाँ पर जब हम लोगों ने बात की तो यहाँ पर लोगों ने हमें बताया है कि दरअसल दिवाली के दो दिन पहले से सैम डिसूजा यहाँ नहीं है, गायब हो गए हैं, यहाँ नहीं रह रहे हैं, यहाँ से निकल गए हैं। और फिलहाल यहाँ पर इन लोगों में से किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि सैम डिसूजा कहाँ गए हैं, लेकिन दिवाली के दो दिन पहले से ही घर में ताला लग गया था। नवाब मलिक के निशाने पर मोहित कंबोज के बहाने बीजेपी थी, और इसीलिए इस जुबानी जंग में बीजेपी भी कूद पड़ी। पार्टी ने मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर डाली। पूरी तरह से ये वाजे वसूली गेट का पार्ट टू है। अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र सरकार स्वयं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करे। किरण गोसावी समेत सुनील पाटिल और जो जो आवश्यक लगते सभी की नार्को टेस्ट करें। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो डर का क्या कारण? ड्रग केस को लेकर एनसीपी पहले एनसीबी पर हमलावर थी, अब बीजेपी पर भी हमलावर है। ड्रग केस एक आपराधिक मामला ना होकर धीरे धीरे राजनीतिक होता जा रहा है, और इसीलिए इससे जुड़े लोगों की राजनीतिक घेराबंदी भी खूब चल रही है। विद्या और कमलेश तुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। नवाब मलिक नए आरोपों के साथ आज सामने आए। आज तक संवाददाता कमलेश सुतार ने इनसे इस मामले पे खास बातचीत की। क्या आरोप है? आप कह रहे हैं कि ये पूरा फिरौती का मामला है, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? ये ऐसा है कि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि ऋषभ सचदेवा प्रतीक गाभा और आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा गया। कोर्ट में आर्यन के वकीलों ने कहा कि ये खुद नहीं आया, इसे पार्टी में लाया गया प्रतीक गाभा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए। ये तीनों को छोड़ा गया। ऋषभ सचदेवा ये कंबोज का साला है, प्लान करके उसे ले जाया गया। 27 तारीख को प्लान तय हो गया था, जो कि पगार है वो कह रहा था कि इनकी चर्चा हुई कि अब पैसे बड़े आने वाले हैं, उसे ले जाया गया। बाद में उसे केपी गोसावी ने अपने पोजीशन में रखा, पैसे मांगे गए, 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख उठाए गए, और जब सेल्फी वायरल हो गई तो उस पर कि पैसा नहीं मिलेगा तो उसे आरोपी बना दिया गया। तो पूरा मामला किडनैपिंग और रैंसम वसूली का है, और आने वाले दिनों में चीजें धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड भाजपा के नेता रहे मोहित कंबोज है? मुझे लगता है आर्यन के किडनैपिंग का दिमाग उनका है, उनके साले के जरिए ये दो लड़कों ने उसे इनवाइट किया, जांच में चीजें सामने आएंगी। आपको लगता है या फिर आपके पास इसके अलावा कुछ पुख्ता सबूत भी है कि कोर्ट में आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाभा के जरिए ये आर्यन वहां पहुंचा, ये बात सच है? ये तीनों को छोड़ा गया। ऋषभ सचदेवा कंबोज का साला है, कंबोज पहले दिन से छटपटा रहा है, कंबोज वानखेड़े के साथ मिला हुआ है, तो हमें लगता है ये साजिश है। चीजें धीरे धीरे, जो विजय पगारे का बयान आया है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, लग रहा है कि इस किडनैपिंग में वो भी शामिल है। ये आपने आज एक और गंभीर आरोप किया है कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश थी, क्योंकि महाराष्ट्र के एक मंत्री को वहां पर बुलाया गया था। देखिए, हमारे असलम शेख साहब हैं जो गार्डियन मिनिस्टर है मुंबई सिटी के, उनके पास पोर्ट का डिपार्टमेंट भी है। काशिफ खान जो है वो लगातार उन्हें परसू कर रहा था कि आप पार्टी में आए, लेकिन असलम खान अपनी व्यस्त कार्यक्रम की वजह से नहीं गए। हमें और भी जानकारी है, कई नेताओं के, मंत्रियों के
जो परिवार के नौजवान बच्चे हैं उन्हें भी परसू किया जा रहा था, उन्हें भी लगातार कि आप इस पार्टी में आइए, ये एक अलग इवेंट है इस तरह से। लेकिन उन लोगों ने कहा, निर्णय लिया कि 1300-1400 लोगों के बीच में कोविड का पीरियड है, एक जिम्मेदार पद पे हमारे परिवार के लोग हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। इस तरह से वो भी नहीं गए। तो हमें लगता है कि कहीं एक जो पंजाब की सरकार में चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ें उड़ता पंजाब की तरह उड़ता महाराष्ट्र इस्टेब्लिश करने का कोई खेल था क्या? हमें लगता है काशिफ खान की गिरफ्तारी के बाद चीज़ें सामने आएंगी। नवाब मलिक जिस मोहित कंबोज को मुंबई ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड बता रहे हैं, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि मोहित कंबोज आखिर कौन है। मोहित कंबोज दरअसल बीजेपी की मुंबई इकाई का महासचिव है। वो वर्ष 2016 से 2019 के बीच मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रह चुका है। 2019 से ही वो मुंबई बीजेपी का महासचिव है। सीबीआई के आर्थिक अपराध शाखा एक मामले में मोहित के खिलाफ जांच भी कर रही है। अब सवाल ये कि नवाब मलिक क्यों कह रहे हैं कि मोहित कंबोज इस ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड है, तो इसके पीछे तर्क ये है कि इस ड्रग्स केस में आर्यन के साथ कई लोग पकड़े गए, उनमें एक नाम था ऋषभ सचदेवा। मोहित कंबोज ऋषभ सचदेवा के जीजा हैं और ऋषभ सचदेवा उस ग्रुप का हिस्सा था जिसमें आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गावा थे। इन दोनों लोगों ने ही आर्यन खान को पार्टी में बुलाया था और इसी पार्टी में एनसीबी की रेड हुई थी। यही वजह है कि नवाब मलिक मोहित कंबोज पर ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा रहे हैं। नवाब मलिक ने कई और आरोप भी लगाए हैं। नवाब मलिक का कहना है कि मोहित कंबोज पर 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का मामला भी दर्ज है। उनके मुताबिक मोहित पहले कांग्रेस नेताओं के साथ घूमता था, उसके बाद दिल्ली में सरकार बदली तो बीजेपी में शामिल हो गया। नवाब मलिक के मुताबिक आर्यन खान का मामला ड्रग्स का नहीं बल्कि अपहरण और फिरौती का है, जिसका मास्टरमाइंड मोहित है। मोहित के समीर वानखेड़े के साथ अच्छे संबंध भी है। मोहित कंबोज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने सुनील पाटिल नाम के शख्स का नाम लिया। आरोप था कि ड्रग्स केस में मास्टरमाइंड दरअसल एनसीपी का नेता सुनील पाटिल है और इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने विजय पगारे नाम के गवाह ने भी सुनील पाटिल का नाम लिया। अब सवाल ये कि कौन है सुनील पाटिल। मोहित कंबोज के मुताबिक सुनील पाटिल महाराष्ट्र के धुले का रहने वाला है। ये पिछले 20 सालों से एनसीपी से जुड़ा हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि सुनील पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख का दोस्त है। मोहित का आरोप है कि सुनील पाटिल 1999 से 2014 तक महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट भी चलाता था। आज तक संवाददाता कमलेश सुतार ने सुनील पाटिल से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन पर लग रहे आरोपों पर उनका जवाब जाना। आर्यन खान मामले में जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ एक और शख्स है जिनका नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। मोहित कंबोज ने कहा था कि इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, सुनील पाटिल के जरिए टिप मिली थी, उनके जरिए ही इस पूरे मामले में पैसे की उगाही का काम हुआ था, ऐसे आरोप उन पर लगे थे। पिछले कुछ दिनों से लगातार इनका नाम आ रहा था लेकिन ये शख्स कहीं भी सामने नहीं आ रहे थे, इनके सारे फोन बंद थे, लेकिन आज पहली बार वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त है सुनील पाटिल। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रभाकर साहिल ने हमसे बात की थी और आज पहली बार मीडिया के सामने आ रहे हैं सुनील पाटिल और उनकी जो है आप बीती सुनाना चाहते हैं, किस तरह से उनको पिछले कुछ दिनों तक कहा थे, क्या इनका पूरे मामले में रोल रहा था। सुनील जी, पहले तो इस पूरे केस के बारे में आप क्या जानते हैं, उस तारीख को आप कहाँ पर थे? केस का ऐसा है कि 27 तारीख से स्टार्ट हुआ था आई थिंक, क्योंकि मैं रुका था वहाँ पे, मैं दुलिया से आता हूँ तो मेरा यहाँ पे कोई घर नहीं था तो मैं होटल में ही रुकता हूँ। तो मैं वाशी में फॉर्चून होटल में हम लोग रुके थे, मैं मेरे एक दोस्त लोग हम लोग, तो वहाँ पे मनीष भानुशाली आए एक बार कि 27 को। मनीष भानुशाली दोस्त मेरा 10-15 साल पुराना, मेरा उससे अच्छा कांटेक्ट है और अच्छा दोस्त था मेरा 10-15 साल से, दोस्ती में हम लोग एक। तो मनीष भानुशाली ने मेरे रूम पे कहा कि भाई आके अपने को, पहले मैं मनीष भानुशाली 2-3 महीने से मैं गुजरात में था, उनके साथ आता जाता था, मेरे कुछ काम थे कंपनीज के तो इसकी वजह से मैं उनके साथ गया था, कुछ मिनिस्टर की मीटिंग करने की थी वहाँ पे, तो वहाँ पे गया था उनके साथ। तो वो तो 2 महीने से तो मीटिंग नहीं हो पाई थी तो इसके लिए मैंने थोड़ा आ गया था रिटर्न बॉम्बे। तो उस दौरान 27 तारीख को मनीष भानुशाली ने रूम पे आके कहा कि भाऊ जरा उनकी गर्लफ्रेंड थी कोई, उनके साथ आए थे, तो बोला कि भाऊ गुजरात चलते हो क्या, काम है थोड़ा सा एक।
पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। कांग्रेस केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि वो पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को और कम करे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों ने अपने यहां पेट्रोल डीजल से वैट घटाया, उससे गैर बीजेपी शासित राज्यों पर दबाव बना है। अब पंजाब में भी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई है। इसे विपक्ष का दबाव माने, बीजेपी का प्रभाव माने या चुनाव का तनाव माने, माने चाहे कुछ भी, खबर तो यही है कि अब पंजाब के लोगों को भी कुछ सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। पंजाब सरकार ने आज बड़ा फैसला लेके पेट्रोल दे रेट ऐसी 10 रुपये कट कर रहे हैं। आज ही रात तो 10 रुपये 5 रुपये डीजल दे रेट आज तो ही रात तो ऐसे ही कट कर देंगे। जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही थी, अकाली दल सड़क पर उतरकर सियासी धमाल कर रही थी, उसके जवाब की पहली किश्त की शुरुआत पंजाब से हो गई है। तो अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और विपक्ष शासित बाकी राज्य भी वैट घटाकर लोगों को कुछ राहत देंगे, क्योंकि तमाम विपक्षी दल पहले ही केंद्र से और एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, हम भी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ राज्यों से भी पता चला है कि उन्होंने भी वैट के रेट कम किए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रुपए से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रुपए कम करके उसका काम नहीं चलेगा, कम से कम 15 रुपए और कम किया जाए। 15 रुपए और कम करें, इतनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी उसको नीचे ले आए। इस पूरी सियासी लड़ाई की शुरुआत दिवाली यानी 4 नवंबर से एक दिन पहले हुई, जब अचानक केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई। तुरंत ही 24 घंटे से 30 घंटे के भीतर बीजेपी शासित 10 राज्यों ने, बीजेपी के साथ गठबंधन वाले 6 राज्यों ने और गैर बीजेपी शासित इकलौते ओडिशा ने पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से से 2 रुपए से लेकर 12 रुपए तक की कटौती का ऐलान कर दिया। बीजेपी शासित राज्यों में दाम घटे तो पार्टी को कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमले का बड़ा हथियार मिल गया। बीजेपी ने सवाल किया कि लगातार महंगाई का शोर मचाने वाली पार्टियां पेट्रोल डीजल पर टैक्स क्यों नहीं घटा रही हैं? निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब देना चाहिए। इन हमलों के बीच भले ही कांग्रेस शासित पंजाब ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला कम नहीं हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, पहले हर दिन पेट्रोल डीजल महंगा कर 30-40 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ाने और फिर 5 रुपए कम करके थैंक यू मोदी जी बोलने के झांसे को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। गैस सिलेंडर 1000 के पार है, सरसों तेल 220 के पार है, सब्जियां आम लोगों की पहुंच से बाहर है। जनता को महंगे दिनों से निजात चाहिए। कुल मिलाकर कहानी यह है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े तो राजनीति, घटे तो राजनीति, और राजनीति के इस मार में आम जनता लाचार है। आज तक ब्यूरो।